अगर आप लोग भी किसी को गाड़ी सिखा रहे हैं तो ये खबर आप लोगों के लिए है, खबर को ध्यानपूर्वक सुने। हम आमतौर पर देखा कि अक्सर लोग जो है वो बड़ी गलती करते हैं, छोटे छोटे बच्चों को जो है वो गाड़ी का स्टेयरिंग थमा देते हैं। अंडरेज बच्चे होते हैं, चाहे फोर व्हीलर गाड़ी की बात करें हो चाहे टू व्हीलर गाड़ी की बात करें। लोगों को अक्सर शौक होता है कि हमारा छोटा सा बच्चा है ये गाड़ी सीख लेगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो बाल्यकाल में ही गाड़ी जो है वो सीख रहा है। और आमतौर पर उनके जो अभिभावक होते हैं उनको गाड़ी दे देते हैं, चाहे वो टू व्हीलर गाड़ी हो चाहे वो फोर व्हीलर गाड़ी हो। और अक्सर जो है वो हादसे की आशंका बनी रहती है, छोटे बच्चे होते हैं वो इतना जो है वो उनका दिमाग काम नहीं करता, क्योंकि इतनी इनको समझ नहीं होती। कि इसलिए गवर्नमेंट ने जो है वो किया है कि 18 वर्ष की आयु के बाद ही आप जो है वो बच्चों को गाड़ी सिखा सकते हैं, उसके बाद वो भी तब सिखा सकते हैं जब आपके बच्चे के पास लर्नर लाइसेंस होगा। तो आपको बता दूं मैं, एक किश्तवाड़ से नया मामला निकल के सामने आया है जहाँ पर एक ई रिक्शा जो है वो दुर्घटनाग्रस्त का शिकार हो जाता है। जब पुलिस वहाँ पे पहुँचती है, कार्रवाई होती है, तो पता चलता है कि ई रिक्शा चलाने वाला जो है वो माइनर है, यानी कि नाबालिग बच्चा था। तो जिसके बाद जो है वो पुलिस ने ई रिक्शा को भी हिरासत में लिया और ई रिक्शा के जो मालिक है उस पर अमूमन कार्रवाई जो है वो जो बनती है वो कार्रवाई जो है वो की जा रही है। तो आप लोग भी जो है वो सावधान हो जाएं। अक्सर हमने देखा है कि चाहे वो बाजार हो चाहे वो और कोई जगह हो जहाँ पे प्लेस, जहाँ पे सेफ प्लेस नहीं है वहाँ पर जो है वो अभिभावक अपने बच्चों को गाड़ी जो है वो दे देते हैं। और अक्सर जो है वो जहाँ पे हादसे की आशंका बनी जाती है खुद तो वो अपनी जान जोखिम में डालते ही हैं, उसके साथ साथ औरों की जान भी जो है वो जोखिम में डालते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, पिछले कुछ दिनों से पुलिस जो है वो चाहे ट्रैफिक पुलिस हो चाहे जेकेबी पुलिस हो, वो अपना काम जो है वो अब उन्होंने सख्ती करना शुरू कर दी है। आमतौर पे देखा कि जगह जगह जो है वो वायलेशन जहाँ पे होती थी, चाहे आवर लर्निंग की वायलेशन हो चाहे यूनिफॉर्म की हो चाहे गाड़ियों के दस्तावेज नहीं हो, वहाँ पर जो है वो पुलिस जो है वो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो गई है। आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों में देखा होगा। तो उसी कारण मैं आपको बता दूँ, अगर आपने नाबालिग बच्चों को गाड़ी थमा दी तो सबसे पहले कार्रवाई जो है वो जो गाड़ी के मालिक होंगे उस पर कार्रवाई करेगी पुलिस, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो एक तो जुर्माना लगाया जाएगा और हो सकता है कि सेक्शन के तहत आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो फिलहाल ये खबर आप लोगों के लिए है, इसलिए है कि आप अपने बच्चे जो नाबालिग बच्चे हैं उनको गाड़ी ना दे, और अगर आपके बच्चे जो है बालिग हैं तो उन बच्चों को आप लर्नर लाइसेंस कम से कम होना चाहिए, तब जो है वो उनको गाड़ी सिखाएं और अपनी जान और लोगों की जान जो है वो जोखिम में ना डाले। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, देखते रहे रियासी जेके न्यूज़। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।